देखिए पहली बात इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस पूरे मुल्क में बोले जाते हैं आप जम्मू कश्मीर में भी अगर देखें तो बहुत सारे डाइवर्स कल्चरली डाइवर्स है लैंग्वेजेस अलग अलग बोले जाते हैं यहाँ आपके हिंदी बोली जाती है उर्दू बोली जाती है कश्मीरी बोली जाती है डोगरी पहाड़ी गोजरी ये सब बोली जाती है पंजाबी बोली जाती है तो आप एक को सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं अगर आपने देखा होगा कि महाराजा के टाइम से भी उर्दू को एक ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया था क्योंकि मेजॉरिटी जो कश्मीर जम्मू कश्मीर के लोग थे वो उर्दू बोलते थे अब अगर आप हिंदी की बात करते हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप पंजाबी क्यों नहीं कर रहे हैं आप डोगरी को क्यों साइड पर कर रहे हैं आप कश्मीरी लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं उसको क्यों साइड अगर आप हिंदी की बात कर रहे हैं तो ये जो बाकी लैंग्वेज़ हैं उनको भी इसमें डाल दीजिए उनके लिए भी कमिटीज़ बना दीजिए कि वो इसको भी एक्सप्लोर करें कि स्कूलों में अगर आप हिंदी पढ़ाना चाहते हैं तो गोजरी कश्मीरी डोगरी इन सबको भी बोला सिखाया जाए स्टूडेंट तो पर ये छोड़नी चाहिए। पे बिल्कुल हम जब अपने स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे पास चॉइस हुआ करती थी कि आप हिंदी पढ़ें या उर्दू पढ़े वो हमारी चॉइस ही मैं हिंदी स्टूडेंट हूँ इसका मतलब है मैंने अपने दिल से चूज़ किया कि मैं कौन सी लैंग्वेज पढूं उसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं जो उनका दिल करता है जिसमें उनका दिल करता है ज़्यादा पढ़ाई करने में उनको चॉइस देनी चाहिए और उनको चॉइस देनी चाहिए चाहे वो हिंदी पढ़े वो गोजरी पढ़े वो कश्मीरी पढ़े या जो डोगी सीखे वो उन तक है टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करिए हाई नाइन सेवन टू एट टू फाइव थ्री सिक्स सिक्स थ्री आरोप